दोस्तों आज की कहानी है बहू, तुम इस घर की बहू हो, थोड़ा आराम से बातें किया करो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। बहुत याद आते हैं मेरे शहर के कॉलेज के वो दोस्त। मेरा अपनी ननद रेवा की फोन पर बातें सुनते सोच रही थी, हेलो वर्षा, कल कॉलेज के बाद मूवी देखने चले सोनी नित्या भूमि, तू और तुम्हारी अपनी ये रेवा खूब मस्ती करेंगे यार, सारे आ जाओ 3 से 6 का। सो फुदकते रेवा अपनी सहेलियों के साथ मगन मूवी का कार्यक्रम बनाने में लगी थी। ओ ओ ओ भाभी मीरा, मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत खुश हूँ, कल हम मस्ती करेंगे, रेवा अपनी भाभी के गले लगते बोली। खूब एंजॉय करना रेवा, एक बार शादी हो जाए तो ये मद होशी भरे दिन फिर कभी नसीब नहीं होते। मीरा रेवा के गालों पर हाथ रखती बोली, सलो भाभी मुझे कल के कपड़ों की भी तैयारी करनी है। कहते रेवा अपने कमरे में चली गई। रेवा तो चली गई मगर मीरा को उसके सुनहरे कॉलेज के दोस्तों की यादों में सूड़ गई। शादी के इतने सालों बाद भी मीरा को अपने मायके को जाती हुई वो सड़के, वो रेस्टोरेंट, अपना वो कॉलेज और अलहड़पन के वो सभी दोस्त बहुत याद आते। कभी अपने मायके से गुजरते हुए मेरा इलाका कहते मीरा कभी थकती नहीं थी, एक अलग सी शान महसूस करती, उसे याद था आज भी वो बारिश का किस्सा जब मीरा और उसके दोस्तों ने मिलकर रंगीला मूवी देखने का कार्यक्रम बनाया। याई ले जोर लगा के नासी रे, सल मेरे संग संग ले ले दुनिया के रंग, हो जा रंगीला रंग रंग रंगीला रे। यही गाने पर तो उस सम मीरा सहित सभी सखियां झूम उठती थी, मगर मायके में मीरा को मूवी देखने जाने सखियों संग घूमने की खुली सूट नहीं थी, मगर फिर भी मीरा और उसके दोस्त कभी कभार चले जाते थे अपने जेब खर्चे के पैसों से, कभी 60 पापड़ी, कभी विंडो शॉपिंग, कभी मूवी वगैरह देखने जाना। मीरा को बहुत याद आता उसके वो दोस्त, एक से एक निराले, जो अब सब अपनी गृहस्थी में मस्त हो गए थे। शायद ऐसी ही दुआ करती थी मीरा अपने दोस्तों के लिए मस्त रहने वाली जिंदगी, फिर मिलेंगे या नहीं उसे नहीं पता, उसे ऐसा लगता सब कोई सिर्फ एक मुसाफिर की तरह आते हैं और फिर कभी ना मिलने के लिए हमेशा के लिए चले जाते हैं, बात बात पर हंसने
मुस्कुराने वाली मीरा इन 8 सालों में कहीं गुम सी हो गई थी। क्यों गुम हुई आइए जानते हैं। मीरा शादी से पहले जितनी सुलबुली थी उतनी ही शादी के बाद भी रौनक बिखेरती रहती थी। मगर शायद उसकी सास को ना मालूम क्यों अच्छा नहीं लगता वो घड़ी घड़ी उसे टोकती। मीरा दहाड़े मार कर हंसना लड़कियों को शोभा नहीं देता। थोड़ा धीरे धीरे सला कर नजाकत तो जैसे भगवान ने दी ही नहीं। जोर से बातें करने को किसने कहा है। तुम इस घर की बहू हो थोड़ा आराम से बातें किया करो। बहुओं को शोभा नहीं देता वगैरह वगैरह और भी बहुत से तकिया कलाम उसे शादी के इतने सालों बाद तक भी राग अलपाते हुए सास से उपहार में मिलते। बात बात पर टोका टाकी तो जैसे मीरा के लिए रोज की एक डोज थी। मीरा की सास उसे उसकी किसी दोस्त से भी मिलने ना देती। एक बार मीरा ने अपने दोस्तों को ससुराल में बुलाया क्योंकि मीरा की शादी अपनी सभी दोस्तों से पहले हुई थी। मगर उसकी सास को अच्छा नहीं लगा। अरे इन लड़कियों के साथ ये मुए लड़के भी तुम्हारे दोस्त हैं। ऐसे घर ना बुलाया करो अगल बगल के लोग क्या सोचेंगे। एक दिन मेरा बालकनी में खड़े होकर नहा कर धूप सेक रही थी खुले गीले बालों को सुखाती दोस्तों वाले मस्ती भरे दिन याद कर रही थी कि तभी सास आ बोली मीरा ऐसे बालकनी में किसको रिझाने के लिए शूटिंग करते खड़ी हो अंदर जाओ। क्या मीरा सास की बात सुनते आश्चर्य से बोली और अंदर चली गई। उस दिन के बाद से सास की ऐसी किटपिट से परेशान होकर मीरा ने हंसना बोलना ही छोड़ दिया क्योंकि जब जब मीरा खुश होती सास तुरंत कोई ना कोई दिल दुखाने वाली बात कह देती। मीरा के पति आर्मी में थे इसलिए वो या सास और उससे 1 साल छोटी ननद के साथ रहती थी। रेवा को देख मीरा का बड़ा मन करता कि वो भी अपने दोस्तों से मिले। मगर सास की रोक टोक ने उसका दिमाग खराब कर दिया इसलिए वो अपने घर जाना चाहती थी। मायके की उन्हीं गलियों में जहां वो अपनी हंसी छोड़ आई थी कुछ महीने सुकून के बिताना चाहती थी। मीरा की मानसिक हालत बिगड़ने लगी उसका किसी चीज में मन ना लगता। काम ठीक होने की बजाय और बिगड़ता जाता। घंटों खाना बनाते कुछ ना कुछ सोचती रहती। रात को भी नींद नहीं आती और सुबह भी जल्दी उठकर बैठ जाती। बहुत बार तो उसे बाल ऐसने या तैयार होने की भी रुसी ना होती। मीरा की सास को तो लगता वो दिखावा करती है क्योंकि उन्हें उनके बोले शब्द किसी के दिल को कितना सलनी कर रहे हैं समझ नहीं आते थे।
रेवा ने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने सलाह दी आबो हवा बदलने की, मगर सास का वही ढंग रहा। तब क्षितिज मीरा के पति को सेना से छुट्टी लेकर आना पड़ा। क्षितिज जब भी आता तो मीरा की उदासी का कारण पूछता, मगर वो क्षितिज को बताती नहीं कि कहीं क्षितिज उसने गलत ना समझ बैठे। मगर अब की बार जब रेवा से मीरा की हालत देखी नहीं गई तो उसने क्षितिज को उसकी माँ के मीरा के साथ किए दुर्व्यवहार और रोक टोक के बारे में सब कुछ बता दिया, जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। शुद्ध बुद्ध खोई सी मीरा को बिस्तर पर एक जड़वत मूर्ति की तरह देख क्षितिज स्तब्ध देखता रह गया। बरबस ही मुँह से निकल पड़ा, मीरा इतना भी मुझ पर हक नहीं समझा अपना कि मुझे कुछ बताती तुम। अरे ऐसे ही सब दिखावा है, पति इतने दिन बाद आया है तो बस नाटक शुरू हो गया। मीरा की सास इस बार भी चुप नहीं थी। अब बस भी करो माँ, तुम्हें पता है मीरा की हालत सही नहीं है, यहाँ की बहू है तो उसे जब मर्जी सब कुछ बोल सकते हैं। क्यों माँ क्यों, आप तो माँ भी हैं और डबल माँ भी हैं, फिर एक बहु समान बेटी का दर्द क्यों नहीं समझ पा रही हो, या उसे बहु से आगे कुछ माना ही नहीं है। बहु मतलब एक ऐसा मशीनी यंत्र जिसे जब साई कुछ भी कह सकते हैं और उस पर असर नहीं होना चाहिए। नहीं माँ, बस अब मैं कल ही मीरा को कुछ महीनों के लिए ससुराल छोड़कर वापस अपनी सेना में चला जाऊंगा। इतना भी किसी की बेटी को मत रुलाइए, कर्म सब देखते हैं, आगे आपकी भी एक बेटी है। कहते हुए क्षितिज ने मीरा की सास को आईना दिखाया और अगले दिन मीरा को लेकर चला गया। उसे सैन की सांस दिलाने, मन का सुकून लौटाने मीरा की सास का फोन आया। क्षितिज के नंबर पर, बेटा मुझे माफ कर दे, मैं अपने सास दंब से बाहर ही निकल ना पाई, तू मीरा का ध्यान रखना। फूल सी बच्ची को वापस हंसता खिल खिलाता, मेरी प्यारी सी हसमुख बहू को मेरे पास ले आना जल्दी। मीरा तुम्हारा जितने दिन महीने मन हो सुकून से रहना, अपने इस मखमली शहर में घूमना फिरना, कॉलेज के दोस्तों से मिलना। देखो ले आया हूँ तुम्हें तुम्हारे इलाके में। कहते हुए मीरा के सर पर हाथ फेरने लगा।